किसको बोल रहे हो बाबू? नानी को। नानी को? नानी कहाँ दिख रही? तो गाइस ये देखो क्या बोलते अपना बाबू, और ये रुखसार बोल रही है स्टैंड ले लिया। स्टैंड नहीं, बहुत पुराना है। क्या दिख रही है? इधर चले। हाँ बोल, इधर चले। कहीं पे भी? कहीं पे भी का मतलब क्या है? हाँ तो गाइस अब वो आ गई है। मैं अब आपको पूरी बताऊँ, ये देखो माय गॉड, सब जो सूरज बाबा के सामने। गाइस ये धूप का नज़ारा देख रहे हो आप लोग। इस साइड से देखो, देखो इस साइड से देखो। चश्मा लगा चश्मा नहीं लगा है। देख बिना ग्लास का पहनी है। दिखा मेरे को एक बार, दिखा। ये इसका चश्मा है, जो गुरु का जो रुखसार हो गई है। तो गाइस वो अपना वीडियो बनाई जा रही है, एक लाइक तो होता है यार। ए रुखसार मुझको भी दिखा चश्मा। रुखसार, ए रुखसार, रुखसार, रुखसार मुझको। अच्छा तो गाइस जो है आप एक लाइक को बनता है। अरे मेरा भाई बैटरी, तू भी आ गया। हाँ भाई इसको तो ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ है। और गाइस इसका चश्मा देखो, ये देखो आर पार बिना फ्रेम का चश्मा है वो। नहीं दिखता है ना। हाँ दिखता नहीं, ये देखो गाइस ग्लास का चश्मा है। खाली जो है स्टाइल के लिए पहन रहने के लिए उन लोग। और गाइस धूप को ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है यार, कुछ ज़्यादा ही तेज़। और गाइस धूप में वीडियो बनाई जा रही है, एक लाइक तो बनता है यार। तो गाइस देखो हम यहाँ पर अफ्रीका जैसी की धूप पड़ रही है यहाँ पर। ये हम लोग अफ्रीका के देश में आ गए हैं। अगर आप लोग अफ्रीका की धूप आना चाहते हैं तो एक बार इधर पर आके चेकआउट जरूर करें। अफ्रीका की रोडें हैं, नाइजीरिया की रोडें हैं गाइस, अबूजा की, लागोस की रोडें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो लाइक तो बनता है गाइस आप लोगों को। और जो है हल्की हल्की सी धूप कम होती है, ज़्यादा होती है गाइस, कभी कभी जो है बादल आते जाते रहते हैं गाइस, ये बात है। बाकी ये अफ्रीका की धूप है गाइस। तो लाइक शेयर को सब्सक्राइब तो बनते ही है गाइस। लैम्बोर्गिनी सियान जा रही है गाइस अफ्रीका की। और ये देखो ये अफ्रीका की रिक्शा है गाइस, ये अफ्रीका की रिक्शा है। तो एक लाइक तो बनता है। और सामने धूप आ गई, सॉरी धूप के सामने बादल आ गया इस वजह से। और बाबू इधर पे अपना बैठा हुआ है। ओपी बाबू मेरा, मेरा ओपी बाबू। ए अब दिखेगा सर। गाइस अजान हो रही है, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। तो गाइस ये रहा चीकू। क्या चीकू लाइट देख के क्या पागल हो रहा है लाइट देख के। तो गाइस ये है जंगली बिल्ला। गाइस ये एक शेर की प्रजाति होती है जो ग्रे कलर की होती है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। लेकिन इसका साइज बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। ये ऐसी प्रजाति आपको बहुत ही ज़्यादा कम देखने मिलेगी। इसके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा पतला होता है कि नहीं, है ना चीकू। गाइस यहाँ पर देखो हिना मनीवा आते ही मेरी नानी मिल गई है। और अभी नानी के साथ मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए, किराना घर, है ना नानी जी। क्या लेंगे? घर का सामान लेंगे महीने का, है ना। और गाइस जो है नानी मेरे को जो है मंजन बरस दिलाएंगी, तो चलो चलते हैं, है ना। देखो ये मेरे अहमद मामू हैं, जो जुहू चौपाटी वाला ब्लॉग था उसमें बस में ये जो बोल रहे थे कि सारे एक्टर्स लोग के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर आते वॉक करने, तो उनके वो बॉयज के पीछे ये थे शक्ल, इनका फेस रिवील यहाँ पर हो गया है। मेरे अहमद मामू हैं गाइस यहाँ पर। तो गाइस धूप देखो, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि नानी बोली अभी थोड़ा रुक के निकलेंगे।
बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है। देखो सूरज कितना बड़ा दिख रहा है। शादाब भाई, क्या हाल है? टोक रिक्शा छोड़ किराना घर, किराना घर, किराना घर। तुम जाओ क्या रानी 53 का है 48.60 54। अच्छा है, पचपन। पचपन चावल कैसा है वो पैसा ना बता। मेरे को क्या मालूम नानी, तुम अच्छा, तुम अच्छा। पुरानी आदमी हो और मेरे से पूछ रही हो, है ना? पचपन ओल्ड दिल्ली, ओल्ड देहरादून बासमती। क्या आगे दिखा, दम है इतना सा, इतना तो चूटी भर का है, चूटी भर का है, एकदम ज्यादा तोड़ पागल हो जाएगा इधर पे, है ना? उठाया हो सामान, कैसा दिया डब्बा? इस बड़ी मेहनतों के बाद अब जाके एक रिक्शा मिला, बहुत देर से रिक्शा ढूंढ रहे थे। तो गाइस यहाँ पर देखो, ये नीचे आज संडे है तो जितने भी कारीगर है सब यहाँ पर नीचे आ गए हैं। गाइस ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है, सब संडे को रात को बाहर निकले हैं ठंडी हवा खाने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अपना दोस्त खड़ा है, मैं था शिवानी कुमारी का, सिनेमैटिक बना था। देख देख मैं भी ऐसे बना रहा हूँ ना, सिनेमैटिक वीडियो बना रहा हूँ। अपना तो बना, अपना भी थोड़ा ले। देख सामने मैं दिख गया हूँ, ये स्टैंड देखो गाइस मैं कैसे पकड़ा हुआ है। मेरे को एक फोटो लेना था, तेरा कैमरा अच्छा है ऐसे दिल वाली फोटो लेना। हाँ हाँ तो ले लेना ना, तो गाली दिए थे ना तुमने, अभी गाली दिए थे ना, अभी नानी टॉयलेट गई है, अभी तुमको निकल के बहुत मारेंगी, बता दे रहा हूँ मैं, तुम सतर्क हो जाओ बाबू। सच में जो तुमने गाली दिए थे तो नानी तुमको मारने वाली, ठीक है? तो गाइस यहाँ पर देखो, कितने दिनों से मुझे इसका इंतजार था, रस्सी उड़ी जो है, मैं रस्सी उड़ी बहुत ज़्यादा करता हूँ गाइस, स्किपिंग रोप मैं ये एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही करता हूँ। तो गाइस अच्छा हुआ ये आ गया मेरे पास, और आप जो है करते हैं। कैसी लग रही है शुभ? जैसे भैंस बांधने वाली, जैसे भैंस को बांधते हैं ना, भैंस की नाक में जैसे डालते हैं।
अच्छा पीछे जा तू क्या मेरा भाई क्या हाल है किधर गया था पढ़ाई वढ़ाई चल रही है नवी में ना यार सही है भाई क्या सही है नवी में ये सही है दसवीं में रहता तो बहुत गलत सीन रहता हार्ड है पढ़ने वालों के लिए हार्ड नहीं है है ना क्या कर रहा है मस्ती मत कर अबे निकाल ले जी तो गाइस अभी बिरयानी खाने जा रही हूं तो आप लोग क्या कर रही हो मुझे देना अब्बू ये आया तुम्हारे बाजू में बैठा मैंने तुमको गाली सुनाया हूं ये कमीने गाली देता है तब इसका क्या तुमने इसको दिया हो ना इसकी धुलाई करो धुलाई हां ये इतना छोटा लड़का कमीने गाली देता है सबको ये चेहरा दिखा शर्मा क्यों रहा है देखो मुंह छुपा रहा है शर्मा क्यों रहा है गाइस शर्मा रहा है हां बोल सॉरी अब नहीं दूंगा बोल बोल सॉरी बोल दो सॉरी बोल दो सॉरी सॉरी बोल दो सॉरी बोल दो बोल दो सॉरी बोल दो सॉरी बोलो बाबू बोल दो सॉरी बोल दो मार खाएगा और कुछ नहीं आगे क्या छुपा रहे हो पब्लिक में ये मार खावास है ना शेर अच्छा इसको गाली कौन सिखाया क्या कर रहा है भाई तू इधर मत कर स्कूल चालू तेरी नहीं पता मेरे लोग बोल रहे हैं टीचर पेपर कब से ये अक्टूबर से हुई तो पढ़ाई की छोड़ दी है मेरा 7-8 से शायद दिखा डंडा वहीं से लाया क्या अच्छा तो भाग के लाए साले वो मोहिन ने उसको डंडा मैंने दिया और मुझसे मैंने दिया गलती से ना कि चलो चले गया पूछता गया दूसरे ने मैं बोला हाँ सब तू है तुझे अब तू कहाँ चलेगा ले गाइस आज था संडे और आज आधे ब्लॉग बन पाया क्योंकि गाइस आधे दिन से मैं ब्लॉग बनाना चालू किया हूँ तो गाइस जो है आप जो है मंडे का भी ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा कल शायद मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ वो तो आपको कल ही दिखेगा तो गाइस चलो अभी रात हो रही है चलो गुड नाइट आप लोगों क्या शेर इतना पसीना पसीना कैसे हो गया तू साइकिल चला चला के रुक रुक दिखा अच्छे से तो गाइस यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग हो गई है गुड मॉर्निंग में पूरे बादल ही बादल आ चुके हैं बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुका है गाइस और जो है ठंडा मौसम हो चुका है ये देखो गाइस सुबह सुबह बबलू भाई कहीं पे घूम रहे हैं बबलू भाई ओपी है चिकन वाले देखो ये इधर पे मेरे अब्बू भी जा रहे हैं काम पे अब्बू को पता था कि मतलब मैं बना रहा हूँ अभी प्लैटिना ओपी लेके निकलेंगे तो गाइस यहाँ पर देखो मैं सुबह सुबह मुंह सूजा हुआ है मेरा गाइस और जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जो है क्या बोलते टाइम टेबल तो मिला ही था फिर आप पोर्शन भी मिल गया बाप रे इतना बड़ा पोर्शन है सेमेस्टर के लिए कि दिल के अंदर दर्द बहुत ही ज़्यादा दर्द बढ़ गया है गाइस पहले तो कम दर्द हो रहा था अभी इतना ज़्यादा दर्द देने लग गया कि मैं क्या बताऊँ गाइस बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया हूँ और तो गाइस अपना जो है
अपना शेड्यूल मेरे को बहुत तगड़ा फिक्स करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर बाबू भी अपने बालवाड़ी जा रहा है, बाबू कोई अपने कंपटीशन में जीता हुआ है तो वो एक हॉल में जा रहा है, उसको कुछ इनाम मिलने वाला है, टीचर स्पेशली मतलब कुछ मेडल वेडल मिलने वाला, ट्रॉफी व्रॉफी टीचर एकदम स्पेशली इसको कॉल करके बुलाई है। बाबू आज तुमको क्या मिलेगा? हाँ ठीक है, हाँ तो गाइस चुप। तो गाइस अब ये शुएब को मैं जा रहा हूँ साइकिल से स्कूल छोड़ने, इसकी जो है ना शुएब, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है, इस वजह से मम्मी बोली है कि जा साकिब तू इसको छोड़ गया है कि नहीं शुएब। तो गाइस चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं और अब जा रहे हैं शुएब को स्कूल छोड़ने आ रहा हूँ गाइस मैं। चल क्या हो गाइस, अभी निकल रहे हैं हम लोग स्कूल के लिए। तो जनाब अब हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए और यहाँ पे खड़बुड़ खड़बुड़ एरिया है, उतारते वक्त हाँ इधर सामने गाड़ी आती है, आगे से लेफ्ट टर्न मारूंगा, आगे से लेफ्ट टर्न मारूंगा तो गाइस अपना स्कूल की तरफ अपन चल पड़ेंगे गाइस। सामने से फॉर्च्यूनर जा रही है और शेर ज़्यादा मोबाइल हिलाना मत, और यहाँ पे देवी का है दिखा, रात्रि शुरू हो गई है गाइस, अच्छे से बनाना रात्रि। आगे से मेरे को दे देना चलाने, हाँ तू पीछे बैठना, चल 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 लेफ्ट में ही दाबे रखना, इससे बड़ा राइडर हूँ मैं। आगे वो जो ब्रिज है ना वो ब्लू वाली, जब मैं बैठ गया हूँ पीछे वो बैग लेके, और अब शुएब चलाएगा, बैग लेके बैठ गया हूँ, खींच पाएगा? अरे यार रुक जा रुक जा रुक जा शुएब, देखो बोल रहा है थोड़ा सा धक्का दे ये ब्रिज के ऊपर, क्या एकदम नाकाम हो चुका है, आराम से ले, अकेला भी नहीं चढ़ा पा रहा है, छी शुएब लानत है। अभी आगे ढलान है, संभाल के ठीक है चल। गाइस अब देखो शुएब चला रहा है साइकिल, यहाँ पर देखो शुएब चला रहा है मस्त साइकिल, आराम से चला शुएब, इसको ये खाली रोड पे दिया मतलब यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, स्कूल की रोडों पे साइकिल चलाई जा रही है यहाँ पर, और जो है मैं पीछे बैठा हूँ और शुएब आगे चला रहा है, स्कूल की रोडों पे भगा रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ स्कूल की रोडें। तो गाइस स्कूल की रोडें, ए कटवा मास्टर, चलो स्कूल लेके चल शुएब, फिर अपनी स्कूल दिखाता हूँ गाइस। जो स्कूल शुएब की है वो स्कूल मेरी भी होके रह के चली गई, और पूरी 10th तक मैं वहाँ पर पढ़ाई किया हूँ जैसे शुएब कर रहा है, डिवाइडर है। चलो गाइस दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं आ रही है, ये गार्डन है स्कूल का, बहुत मस्त है। छुट्टी हो गई क्या मॉर्निंग को? मेरा मन कर रहा है एक बार और भगाने का। गाइस ये है शांताराम कृष्णा जी पंतवाला होलकर स्कूल, मेरा एकदम ज़्यादा इंटेंस साइकिल चलाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अपने इधर पे एरिया में आ गया हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ बाबू का जहाँ पे फंक्शन हो रहा है वहाँ पे आ रहा हूँ गाइस। तो चलो चलते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनतों के बाद डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ गाइस, ये साइकिल इधर पे खड़ी कर दिया हूँ। देखो रुखसार और मैं बेघर हो चुके हैं, रुखसार के घर में भी ताला है और मेरे घर में भी ताला है, अच्छा है मेरे पास जो है साइकिल की चाबी है, तो मैं साइकिल खड़ी करके मेरी मम्मी हिना मानवा है गाइस वहीं पे चला जाऊंगा मैं। आज मैं तेको कितना ढूंढ रहा था रे स्कूल के पास, तो दिखी नहीं, जल्दी से निकल गई थी गाइस, जैद कल गया था थाने, तो आज स्कूल की छुट्टी हो गई है, एकदम खुशी है, समझेंगे असली थाने का। अच्छा नहीं पुलिस थाना नहीं, यहाँ पे थाना है एक महाराष्ट्र में मुलुंड के वहाँ पे है ना जैद, नहीं तो समझेंगे चौकी गया था, चौकी में था अब छुट के आया है। आप लोग ये देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो गई है, एकदम पसीने पसीने में लथ पथ था मैं गाइस, अब आया हूँ
चलो चलो और बहन नमाज पढ़ने चल, चल। तो चलो गाइस चलते हैं नमाज पढ़ने जोहर की। अभी तक अचानक से डल हो गई, लाइट ही डल हो गई। चल मालूम, चलो गाइस चलते हैं नमाज है ना। डे टाइम का कितना क्वालिटी बढ़ गई ना यार अचानक से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाज हो गई है, पीछे मामू भी चल रहे हैं। और जो है शुएब को लाना ले जाना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे चोरी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और जैद भी अच्छे से चलता नहीं है रोड पे, एकदम बोल्डू बन के चलता है। बच्चे चोरी हो रहा सच में, लेकिन फिर भी सतर्क होना चाहिए है कि नहीं मामू? हाँ। आप भोंदू प्रसाद कि कैसे चलता हूँ है। अच्छा जो है आप निकल रहे हैं, शाम हो गई है असर की नमाज के लिए। और गाय जो है मतलब मैं शुएब को सुबह छोड़ने गया था ना, तो मेरे को एक चीज़ लेनी थी जो है डाइजेस्ट लेनी थी, तो मैं भूल गया था। तो अभी जाते वक्त मतलब उसको लेने के लिए जाऊंगा, तो जाके लूंगा फिर इंग्लिश की डाइजेस्ट। बच्चा चोरी होने ना है गाइस, तो मम्मी बोल रही जा तू लेकर आ, तू छोड़ के भी आ तू लेकर भी आ, ऐसा सीन है। और जब मेरा कॉलेज तेरा भी सेम है ना, तो गाय जब मेरा कॉलेज रहेगा ना तब मेरे को थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो चलो चलते हैं, आप बादल दिखाता हूँ। क्या तगड़ा बादल है भाई, ये जो है बादल है, ये बादल की जो पढ़ाई भी होती मालूम है क्या, क्लास एट में ज्योग्राफी के लेसन में है ये सब क्लाइमेट कि ये कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन कैसा होता है ये क्लाउड का, ये सब। और गाइस धूप बहुत ज़्यादा कड़ाके की हो रही है पीछे, आप लोग देख ही सकते हो। चलो तो गाइस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की नमाज़ हो गई है। और गाइस मतलब मैं बहुत पहले के जुम्मे में तकरीर में सुना था कि जो सूर्य अस्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि आप जब सजदा करो तो सजदा ऐसा करो कि ऐसे सामने अल्लाह पाक हो। सजदा इतना अच्छा होना चाहिए गाइस। बबलू भाई सजदा ऐसा करो कि जैसे सामने अल्लाह ताला खुद हो, ऐसा करना चाहिए, सूर्य अस्त्र में लिखा है समझा। तो गाइस अब निकलते हैं घर के लिए, पढ़ रहा था मैं घर में बैठा बैठा, या हमारे भाई ने फोन किया असर की नमाज पढ़ते हैं। हजरत जी हैं, हाजी जी मौलाना। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो मैं आ रहा हूँ शेर को लेने के लिए, लेट हो गया है। चलो चलते हैं, इसको कब से ढूंढ रहा था ये, अब जाके मिला है। कहाँ चलेगा, चल डाइजेस्ट भी लेना है ठीक है। चल देखो शुएब चला रहा है, शुएब द राइडर। देखा अबे नाम वाम बिगड़ गया, और पूरी डेट देख, बर्थडे की देख 13 तारीख। नाम तो सही है, नाम देख उल्टा उल्टा है, 13 अप्रैल कर दिए। बाप रे गलत जन्म दिन हो गया, 29 मार्च का है तू। तो गाइस जो है टीचर को बोला नहीं कुछ नहीं, फालतू छोड़ी हो सकता है वो ही खराब। अच्छा तो गाइस डाइजेस्ट ले लिया हूँ, अब चलते हैं घर पे है ना। तो गाइस सुबह से मैं जब स्कूल से आया तब से मैं कुछ व्लॉग ही नहीं बनाया गाइस, तो रात हो गई है। चलो अब मिलते हैं कल के न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम।